महीना मिसेज गांधी ने एक महीने तक महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अब नेहरू मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा बुआ आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी, तो मिसेज गांधी ने कहा कि नहीं भैया तुम्हें पता नहीं है, जिसने भी इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वो मारी गई, जनरल वैद्य मारे गए। तो मैं कहा साहब जिन कौमों से लड़ो उनके बारे में जान लो कि लड़ किन से रहे हो, और इनके साथ ये हमारे वाले हैं, ये तो छठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं, इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद के उसका दाह संस्कार कर दिया था, तो ये लड़ने की चीज नहीं है, ये बातचीत करने की चीज है। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री बहुत घमंड में थे, दो महीने बाद तो माफी मांग के वो कानून वापस करने पड़े। और इसी तरह मैं बता रहा हूं इन बच्चियों का, आप इनको समर्थन देते रहिए, माफी मांग के इनकी मांगे मानी जाएंगी और ये जीत के निकलेंगे। ये सरकार 24 में अगर आप नहीं हटाओगे तो आप हट जाओगे, खेती को खत्म कर देगी, फौज को खत्म कर देगी, अग्निवीर लाके फौज को तो वैसे ही खत्म कर दिया है, तो ये हमारे सारे रास्ते जिंदा रहने के बंद कर देगी। लेकिन अगर आपने हटा दिया तो फिर वाकई एक अच्छा वक्त इस देश में आएगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि उस दिन आप मत भूलना, आपकी आदत है आप इकट्ठा रहना, जात पात में मत जाना, और इकट्ठा होकर इस सरकार को हटा देना, बर्खास्त कर देना और एक तरह से परास्त कर देना। बहुत लंबा मैं हो गया, मैं अभी जब इन्होंने चार कानून वापस